टाइम्स ऑफ गुजरात के साथ मैं हूं मुहिब। दरअसल इस वक्त देश में वक्फ अमेंडमेंट जो बिल है 2024 का, उसको लेकर बड़ी चर्चाएं हो रही है। और देश भर में जो जेपीसी की कमेटी है, जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी, वो देश भर के अलग अलग राज्यों में घूम रही है। कल गुजरात की बारी थी। गुजरात के अहमदाबाद के ताज होटल में कल जेपीसी की कमेटी के लोग और साथ ही गुजरात के गृह राज्य मंत्री हर्ष संघवी और कई ताजीम के लोग भी बुलाए गए थे, लेकिन उसमें एक नाम मिसिंग था जो कि अहमदाबाद की जामा मस्जिद के इमाम साहब मुफ्ती शब्बीर आलम साहब का नाम मिसिंग था। वो इस मीटिंग में नहीं गए थे। और तब उनसे ही जानने के आए कि वक्फ बिल को लेकर मुसलमान कम्युनिटी उसका विरोध क्या है, जो अमेंडमेंट बिल है उसको लेकर विरोध क्या है, और मुफ्ती साहब कल की मीटिंग में क्यों नहीं गए थे। मुफ्ती साहब कल की जो मीटिंग हुई, सबसे पहले तो यही सवाल मेरा रहेगा कि उस मीटिंग में आपका ना जाना ये क्या दिखाता है? हमने अपनी तंजीम के लेटर पेड पर वक्त की मुतालबा किया था और मिलने के लिए कहा। हमें दिल्ली से जवाब आया, पहला जवाब ये था कि आप किस सिलसिले में मिलना चाहते हैं। हमने फिर वो भी लिख के भेजा कि अमेंडमेंट बिल के बारे में हमारा विरोध है और हम मेमोरेंडम देना चाहते हैं, इसलिए हमें मिलना। फिर उसके बाद हमको जो है टाइम दिया गया वहाँ से, और उसके बाद टाइम देने के बाद तन्हा मुझको टाइम दिया गया। अच्छा, अब आप जानते हैं कि तंजीम का लेटर पेड है, तो तंजीम का मतलब होता है कमेटी। कमेटी जी, और कमेटी में 9, 10, 11, 12 इतने कम से कम आदमी होते हैं, तो उन्हें ये सोचना चाहिए कि कमेटी मिलेगी। अब उसमें 4 आदमी हूँ, 5 हूँ, खैर। फिर हमसे ये कहा गया कि भाई आपने आदमी का नाम नहीं लिखा। भाई मैंने कहा तंजीम का लेटर पेड है तो तंजीम के नाम से आप दीजिए। नहीं, नाम देना, चलो नाम भी मैंने 3 नाम दिया कि हम जो है मिलेंगे। उसमें हमारे एक वकील थे, हमारे जनरल सेक्रेटरी और हमारे एक मेंबर, नाम भेजा, वो नाम लिस्ट में आ भी गया। ठीक है, हमने तैयारी भी कर लिया, मेमोरेंडम भी बनाया, सब बनाया, सबसे कह भी दिया जो है अपने को सुबह में 9 बजे जाना है। रात में आखिरी रात मुझको मैसेज दिया जाता है कि आपके आदमी का नाम काट दिया गया, आप अकेले मिल सकते हैं। जो बात पहले कही गई थी। हाँ, जो बात पहले कही गई थी। फिर मैंने सोचा कि भाई देखे क्या है, करो खोज किया, अब आपसे मिलने वालों से बातचीत भी किया। लोगों ने कहा, कुछ लोगों ने कहा भाई ऐसा चलेंगे, अगर नहीं जाने देंगे सबको तो अपने बायकॉट करके चले आएंगे। किसी ने ये राय दी कि नहीं चले, आप अंदर जाके उनसे रिक्वेस्ट कीजिएगा कि भाई हमारे भी आदमी हैं, अगर वो इजाज़त दे देंगे तो लोग आ जाएंगे। अलग अलग राय देने वालों ने दी, लेकिन मेरी गैरत ने ये गवारा नहीं किया कि भाई मैं अंदर जाऊं और उनसे इजाज़त मांगूं, अगर वो न दें तो मेरी इज्जत क्या। दूसरी बात, बगैर हम अपने सेक्रेटरी के या वकील के मिलने क्यों जाएं? क्योंकि ये बिल जो है, एक है शरीयत के ख़िलाफ़ और एक है हमारे देश के आईन के ख़िलाफ़। तो जो शरीयत के ख़िलाफ़ बातें हैं वो तो मैं बता सकता हूँ, लेकिन आईन के ख़िलाफ़ है वो तो वकील ही बताएगा जी। तो इसलिए साथ में वकील का होना ज़रूरी जी। फिर सुबह में वक्फ बोर्ड के चेयरमैन डॉक्टर मोहसिन को हमारे आदमी ने फ़ोन किया कि भाई हजरत 3-4 आदमी के साथ आना चाहते हैं जी। आप क्या कहते हैं? तो वहाँ से वो जवाब देते हैं कि हालात देखेंगे जी, अगर ज़्यादा भीड़ नहीं हुई तो हम आने की इजाज़त देंगे, लेकिन बोलने की इजाज़त किसी को नहीं होगी। आपकी तंजीम में से किसी को? हाँ, तो ये मुंह देखने जाके जाएंगे हम। फिर हमने फैसला किया कि भाई हमको नहीं जाना। अच्छा। तो हमने वीडियो जारी कर दिया कि भाई हम इसका बायकॉट करते हैं और इस बिल की मुखालिफत करते हैं। मुफ्ती साहब, यहाँ मेरा एक सवाल है कि अगर तंजीम के, जैसे आपने कहा कि पहले लोगों को मिलने की इजाज़त दी गई फिर नाम काट के रख दिया, अगर आप अकेले भी मिलने चले जाते हैं उनसे, तो कम से कम आपकी तंजीम का जो पॉइंट ऑफ व्यू है, आपका जो मेमोरेंडम है, उसकी बात तो कम से कम जो हुक्मरान है या फिर जो लोग देश को चलाते हैं उन तक पहुंच तो जाती कम से कम बात? ये तो हम ईमेल से भी भेज रहे हैं तो बात पहुंच जाएगी। अच्छा। लेकिन सवाल ये है कि हम उनके सामने जाते हैं, अब वो दुनियावी कानून हमारे सामने रखते और उसको उनका जवाब मुकम्मल नहीं मिल पाता,
तब भी वो बहाना लगाते कि जवाब नहीं दिया मुफ्ती साहब ने, तो इसलिए हमारे साथ एक कानून का जानने वाला तो ज़रूरी था। दूसरी बात जहाँ तक जानने की है तो हमने जो है JCP JPC को भेज भी दिया है अपना मेमोरेंडम, और हमने ये इरादा किया है कि मुल्क के वज़ीर आज़म हैं, राष्ट्रपति हैं और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं, सबके नाम से हम भेजेंगे। मुफ्ती साहब, आपकी तंजीम में आपने जैसे कहा कि वकील भी हैं, तो आपकी जो दुनियावी आईन है उसको लेकर कोई बातचीत हुई है कि किस तरह से इस कानून को जो अमेंडमेंट लाया जाता है उसको कानूनी तौर पर इसको चैलेंज किया जा सके? जी हाँ, उसमें मेरा 30 पाने का मेरा मेमोरेंडम बना हुआ है, अगर आप चाहें तो उसका PDF मैं दे सकता हूँ आपको जी। और उसमें सारे कवानीन को सामने रख कर के जो है उसकी तरदीद की गई है कि भाई वक्फ का कानून ये कहता है, हमारे देश का कानून ये कहता है, हमारे मुल्क का आइन ये कहता है, सबके मुकाबले में जो है लाया गया है जी। तो दुनियावी आइन की तो हमने बात की मुफ्ती साहब, बतौर शरीयत, शरीयत में जैसे कहा कि आपने कहा कि शरीयत के खिलाफ ये कानून है, तो शरीयत में इसको लेकर क्या कहा गया है और किस तरह से ये कानून शरीयत के खिलाफ हो जाता है, इसको आप एक्सप्लेन कर सके अगर हमारे जो देखने वाले। सबसे पहला सवाल यह है कि कोई ये न कहे कि मुल्क से बढ़ के इनके लिए शरीयत हो गई। ये आजकल भी इल्ज़ाम लगा देते हैं भाई देश पहले के इस्लाम पहले जी। तो हम इसके सामने ये कह रहे हैं कि हमारी शरीयत का वही कानून है जो हम देश का हमारा कानून है, समझ गया जी। सबसे पहली बात तो यह है कि 126 कहते हैं ना वो कलम जी जी। उसने हमें मुकम्मल छूट दी है हमारे देश के कानून ने, हमें शरीयत पर अमल करने की, तो हम दोनों को साथ में लेके चलते हैं। उसके मुकाबले में आप कहें तो ये कानून सरासर जो है देश के कानून के खिलाफ भी है और शरीयत के खिलाफ भी है, बिल्कुल समझ गया जी। अब इसमें दो एक मिसालें आपको दे दूं आपका टाइम नहीं, जैसे अभी तक ये कानून वक्फ एक्ट में भी है जी। कि भाई वक्फ बोर्ड के जो भी मेम्बर होंगे वो मुस्लिम होंगे, बिल्कुल बराबर आज तक ऐसा ही होता आ रहा है जी। अब ये जो अमेंडमेंट बिल आया है उसमें इन लोगों ने एक चीज़ जो है शामिल किया है कि वक्फ बोर्ड के मेंबर MLA MP होंगे, मुस्लिम का लफ्ज़ क्यों काट दिया गया, मुस्लिम का लफ्ज़ क्यों काटा, इसलिए काटा ना कि भाई हम किसी को बना सकते हैं, एक बात। दूसरी बात, ये जो है ट्रिब्यूनल में दो जज हाई कोर्ट की तरफ से गवर्नमेंट के वास्ते से मुकर्रर होते हैं, और एक मुस्लिम जो शरीयत का जानकार हो ऐसे को रखा जाता है, और अब तक ऐसा ही होता आया है हर जगह। अभी अनवर साहब थे उसकी जगह, उनको किसी वजह से निकाला, हमें उससे कोई सरोकार नहीं है, न उसकी मुखालिफत है न मुआफ़िकत, गवर्नमेंट के जद में आए निकाल दिया, तो उनकी जगह किसी मुसलमान को लेना चाहिए, उन्होंने गैर मुस्लिम को ले लिया, तो ये मुल्क के आइन के ख़िलाफ़ भी है और शरीयत के ख़िलाफ़ भी है, एक बात। तीसरी बात ये है कि इन्होंने उसमें ये शामिल किया कि अवकाफ के जो ये वक़्फ में ये होंगे मेंबरान, उसमें दो हिंदू को भी रखा जाएगा, क्यों भाई, हमारे मुल्क में हिंदू भाइयों का भी ट्रस्ट है, मंदिरों का भी ट्रस्ट है, गुरुद्वारे का ट्रस्ट है, गिरजाघर का ट्रस्ट है जी। क्या मंदिर के ट्रस्ट में मुसलमान को रखा जाएगा, क्यों नहीं रखा जाएगा, तो फिर अगर वहाँ हम मुसलमान नहीं रखा जा सकता तो यहाँ हिंदू क्यों रखा जाएगा। सही, तो ये सब मुद्दों को लेकर आप ये सब मुद्दे। अच्छा, तो मुफ्ती साहब आपका कल जैसे मीटिंग आपने बॉयकॉट किया, आपने अपने जो ज़राए होते हैं उनसे पता लगाने की कोशिश की कि कल की मीटिंग में क्या हुआ और किस तरफ ये मामला पूरा जा रहा है और क्या ये अमेंडमेंट बिल आ जाएगा, पास हो जाएगा, या फिर उसको लेकर कोई ऐसी बात कही गई है इस्लामिक जो स्कॉलर्स उनके द्वारा कि ये कानून को कहीं ना कहीं रोक दिया जाए। देखिए, अंदर तो क्या बातचीत हुई नहीं हुई वो अल्लाह बेहतर जाने, बिल्कुल, लेकिन बाहर निकल करके जो हमारे MLA है इमरान खेड़ा वाला, इकबाल शेख, तौसीफ़ अहमद जो वक्फ बोर्ड में मेंबर भी हैं, इसी तरह से वो कौन रंजीत को जो एडवोकेट है वो भी वक्फ बोर्ड में मेंबर हैं, इन लोगों ने वहाँ विरोध किया
और वो मैसेज मेरे पास आया और मैंने बात भी किया इमरान खेड़ा वाला से, मेरी बातचीत हुई। उन्होंने कहा कि हम लोगों ने मुकम्मल विरोध किया, रात में ही मेरी उनसे बात हुई थी एक मरतबा, और ये सब मैंने उनके सामने भी रखा कि देखिए मेरे आदमी का नाम काट दिया गया, और मेरा ही नहीं सोहेल तिरमिजी साहब का भी नाम काटा गया जी, गुजरात टुडे के बिल्कुल उनका भी नाम काट दिया गया। तो हमने इमरान खेड़ा वाला से बात किया तो उन्होंने कहा कि हजरत मैंने इस्तीफ़ा तैयार रखा है, अच्छा अगर ये करेंगे तो मैं इस्तीफ़ा दे दूंगा। तो मैंने उनको समझाया, विधायक से इस्तीफा दे देंगे, वक्फ बोर्ड के मेंबरशिप से, विधायक से नहीं जी, जी। तो मैंने उनको कहा कि भाई वो तो आपका हक है, आप इस्तीफा ना दें, बिल्कुल हाँ विरोध करना आप विरोध कीजिए। तो उन्होंने वहाँ मीडिया के सामने विरोध किया, ऐसा मेरे पास लिंक मौजूद है और मेरी उनसे बातचीत भी हुई है, समझ गया जी, जी। और इसके अलावा भी बहुत से लोग थे जिन्होंने इसका विरोध किया है। तो जिस तरह कल इमरान खेड़ा वाला की जो किरदारी रही है उस मीटिंग में, उससे आप खुश हैं? नहीं, विरोध किया उन्होंने सही किया, सही। मैं उसकी तायद करता हूँ। जिन लोगों ने भी देखिए, कोई भी मुसलमान, इनका मकसद सिर्फ ये था कि जो बीजेपी के बारे में उसकी हिमायत में बोले जी, उसको टाइम देना, मैंने तो यही अंदाज़ा लगाया जी। अब बीजेपी के हिमायत या उस बिल की हिमायत में हम बोले या कोई भी मुसलमान बोले, ये गैरत गवारा नहीं है। इसलिए मैं तो यही समझता हूँ कि अव्वलन तो जेसीपी की टीम आई यहाँ, जेपीसी की जी, तो उनको चाहिए था कि इसको अखबार में मैसेज दिया जाता जी, और पूरे गुजरात में जितने भी ट्रस्ट हैं सबको बोलने का मिलने का मौका देना चाहिए, न कि गिना चुना। गिने चुने आदमी को क्यों, बिल्कुल एक तो सबको खबर नहीं हो सकी। मैंने गुजरात वक्फ बोर्ड से भी मालूम किया कि भाई आपको ये मैसेज कब मिला कि वो लोग आने वाले हैं, तो उन्होंने मुझे बताया कि ज़्यादा से ज़्यादा हफ्ता, एक हफ्ता कम दिन है, हम लोगों को सिर्फ 4 दिन मैसेज मिलता है गिने चुने आदमी को। ऐसा क्यों, उसको बाज़ाब्ता अखबार में देना चाहिए कि जेपीसी की टीम फला तारीख को अहमदाबाद में आ रही है, एक बात। दूसरी बात, आपने जुमा का दिन ही क्यों उसके लिए रखा जी, जबकि आप जानते हैं कि वह मुसलमान जुमा की अहमियत बहुत ज़्यादा है जी, बिल्कुल। तीसरी बात, आप रख रहे हैं सिंधु भवन में क्यों, हमारे यहाँ से तकरीबन 17 किलोमीटर दूर है जी, एनएक्सी पे क्यों नहीं रखा, वो भी तो गवर्नमेंट की इमारत है। और आज तक मैंने 2001 से लेकर जितनी भी मीटिंग की है, आने वाले कोई भी हूँ, माइनॉरिटी के हूँ, किसी भी विभाग के हूँ, तो जो है एनएक्सी पे हमारी मीटिंग हुई है, अच्छा। और ये लोग सिंधु भवन जाके रख रहे हैं क्यों, तो नीयत इनकी ख़राब है ये तो पता चलता है, समझ गया। मुफ्ती साहब, दो सवाल लास्ट में मैं आपसे पूछना चाहूँगा। सबसे पहला मेरा सवाल यह है कि मैंने इमरान खेड़ा वाला के बारे में तो आपसे पूछा, लेकिन देश में जो मुस्लिम लीडर्स हैं या मुस्लिम रहबर हैं, मुस्लिम हुक्मरान हैं, उनका जो रवैया रहा इस बिल को लेकर, आवाज़ उठा रहे हैं नहीं उठा रहे, आप तक सारी जानकारी पहुँचती होगी, तो क्या आप उनकी जो भूमिका रही इसमें, क्या आप उनसे संतुष्ट हैं? देखिए, आप सिर्फ मुसलमान की बात मत कीजिए, ये बिल जेपीसी के हवाले क्यों किया गया मालूम है, इसलिए किया गया कि लोकसभा में अक्सर मेंबरों ने, खास वो हिंदू भाई हों, उन्होंने इसकी मुखालफत की। मेरी मालूमात के मुताबिक जो दो पार्टी ख़ास तौर से बीजेपी की सपोर्टर है, समझ गए, उन लोगों ने भी मुखालफत की जी, समझ गए आप, TDP और JDU मुखालफत की, बिल्कुल इसी मजबूरी की बुनियाद पर गवर्नमेंट ने JPC के हवाले किया। तो हम मुसलमान ही की बात क्यों करेंगे, गैर मुस्लिम भी जो है विरोध कर रहे हैं। आखिरी सवाल मेरा मुफ्ती साहब, कल की मीटिंग का आपका बॉयकॉट हुआ, आपने जैसे कहा कि इमरान खेड़ा वाला के साथ आपकी बातचीत हुई, अन्य जो दीगर लोग गए थे कौम के, बाकी तंजीमें गई थी, उन्होंने आपको कांटेक्ट करने की कोशिश की कि मीटिंग में क्यों नहीं आना हुआ, या फिर क्या ऐसी वजह रही जो आपको मीटिंग से, आपने मीटिंग का बॉयकॉट किया, ऐसी कोई? हाँ, एक बड़ौदा के कुछ लोग थे जी, जब मेरा ये मैसेज वायरल हुआ तो उन्होंने फौरन मुझसे कांटेक्ट किया जी, कि हजरत क्या बात है, आप क्यों नहीं आ रहे हैं, अगर ऐसा हो तो हम आपको साथ में ले कर चलें जी।
मैंने कहा भाई आप साथ में लेके चले, हम क्यों जाएं? हमारा ऑब्जेक्शन सिर्फ ये है कि जब हमने तीन आदमी का नाम दिया तो हमारे सेक्रेटरी और हमारे मेम्बरान का नाम क्यों काटा गया? अब अकेला जाने के बाद दूसरी संजीव ने भी हमसे कहा मेरे साथ चलिए, भाई हम क्यों उनके साथ जाएं? हाँ अगर हमारे मेंबर को इजाज़त हो तो हम किसी के साथ भी जा सकते हैं, हमें किसी से मुखालफत नहीं है, लेकिन हमारे मेंबर को काटा जाए और हम तनहा किसी के साथ चले जाएं, इससे हमारे टीम की, हमारी तंजीम की जो है बेइज्जती है। बड़ौदा वाले ने किया, उनको मैंने बताया तो उनको भी अफसोस हुआ, उन्होंने यहाँ तक कहा कि हजरत मुझे भी यहाँ से परवानगी नहीं मिली तो मैं अपने खर्चे से सब आदमी दिल्ली पहुँचे और दिल्ली पहुँच के भी डायरेक्ट मैंने जो है लेने की कोशिश की तो हमको भी मिलने की इजाज़त नहीं दी। फिर हमने मुस्लिम एमपीज जो हैं जितने नेता उनसे जो है मिले और उनका दबाव जब पड़ा तो हमें टाइम दिया गया। अब बोलिए। अच्छा मुफ्ती साहब, आपने सब कुछ बिल्कुल क्लियर कट बता दिया कि क्या है क्या नहीं है। आखिरी बात यह है कि गवर्नमेंट को अगर आप कुछ कहना चाहें इस प्लेटफॉर्म से तो आप क्या कहना चाहेंगे आखिरी बात? हम यही कहना चाहेंगे कि हम लोगों का मेमोरेंडम है और सारे मुसलमानों की तरफ से मुतालबा है कि ये बिल हमारी शरीयत के, मुल्क के आइन के ख़िलाफ़ है, इसलिए हम इस बिल को जो है किसी भी सूरत में एक्सेप्ट नहीं करेंगे, हम मुकम्मल इसका विरोध और मुखालिफत करते हैं। तो ये थे हमारे साथ जामा मस्जिद के इमाम साहब मुफ्ती शब्बीर आलम साहब। उन्होंने सभी मुद्दों को लेकर अपनी बेबाक राय रखी। उन्होंने कहा कि कल की जो मीटिंग में हमें नहीं बुलाया गया इसका न जाने का कारण सिर्फ एक था कि उनकी तंजीम के जो अन्य मेम्बरान थे उनको इनवाइट नहीं किया गया, उनका नाम काट दिया गया, इसलिए मुफ्ती साहब कल की मीटिंग में नहीं गए थे, इसलिए उन्होंने इसका बॉयकॉट भी किया था। तो मुफ्ती साहब ने यह भी कहा है कि हम इस बिल का पुरजोर तरह से विरोध भी करते हैं। इस स्टोरियों को लेकर हम आपके सामने आते रहेंगे। कैमरा पर्सन आदिल सैयद के साथ मुहिब बोरा, टाइम्स ऑफ गुजरात, अहमदाबाद।